देखिए आज अत्याचार होना हो किसी से लेकिन कामयाबी से प्यार जरूर होगा। राइट आप लोग अपनी सीट ले लें, टेक योर सीट। और आई होप कि आप पूरी प्लानिंग के साथ आए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम मुझसे मीट कर रहे होंगे या इस तरीके से कार्निवाल को अटेंड कर रहे होंगे। मैं इस बात की भी गारंटी करता हूं कि जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया होगा, किसी को देखकर किया होगा, किसी के धक्के में किया होगा, किसी फ्रेंड के चलते किया होगा, किसी दोस्त के चलते किया होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, यहाँ सिखाया भी जाता है। और कोई बात नहीं, आज दिल के सारे मलाल दूर किए जाएंगे कि कोई फील्ड ऐसे नहीं चलती है, उसको लर्न करना पड़ता है। कहते लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन। राइट आप मुझे बताइए, 10,000 रुपए महीने की जॉब आसानी से नहीं मिलती, इतने लफाड़े खाने पड़ते हैं, तो लाखों रुपए का सिस्टम कैसे ऐसे चल सकता है? और जो ऐसी सोच रख के आते हैं ना, बस ज्वाइन कर लिए, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, ऐसे बन गए, वैसे बन गए, ऐसे ही लोगों को सोशल साइट पे लोग मूर्ख बनाते हैं, निगेटिव करते हैं और मजे लेते हैं ऐसे नेटवर्करों का। जो सीखते हैं, जो जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत है, कैसी नॉलेज है, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, उसके सामने से एक निगेटिव थॉट गुजर जाए या पूरा का पूरा इंसान या पूरी की पूरी रैली, वो नहीं डरता है, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम सबको समझाने की औकात रखता हूं कि नेटवर्किंग आप जो कहते हो ऐसी नहीं है, मैं जो बताता हूं ऐसी। अंडरस्टैंड? पूरी लॉबी को जवाब देता है वो। यस, बात बात में अगर आप लोग जवाब देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज किसी का दिल लगे ना लगे, फिर भी इस टॉपिक में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सारे एंगर बैठे हुए हैं, पुराने दिनों की अगर याद हो, पुराने लोगों से पूछना कि कुछ कार्निवाल से हमने एक माहौल खड़ा किया था, हमने क्रिएट किया था, हमने नेटवर्कर को जन्म दिया था, नेटवर्कर को पैदा किया था। वो मतलब चले यहां से खरगोन, चले यहां से खंडवा, चले यहां से हरदा, चले यहां से मुंदी, चले यहां से खातेगांव, चले इसकी बेल्टे मिल रहे हैं, धार में मिल रहे हैं, झाबुआ में, वहां की तहसीलों से जा रहे हैं बड़ौदा तक, कर रहे हैं महाराष्ट्र, जा रहे हैं गुजरात, जा रहे हैं छत्तीसगढ़, जा रहे हैं बिहार, जा रहे हैं यूपी, और एक ऐसा इंडिया के अंदर हुजूम खड़ा कर दिया था, बवाल काट गया था लोगों को, बवाल। अंडरस्टैंड? और आज भी वही पागलपन है, आज भी वही जुनून है, तैयारी पहले से कहीं और ज्यादा है, पर लोग वैसे चाहिए। अंडरस्टैंड? हाँ या ना? अब कैसे लोग चाहिए? बोले ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। बोले वो जमाना गया, अब हम दीवाने किसके हैं? अपने करियर के हैं, डायरेक्ट सेलिंग के हैं, एमवाइल के हैं, हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? और होले होले मेरे बिरादरी वालों, एक बात ये भी बता देता हूं, तुम जिसको अपना अपना चांद कहते हो ना, मैं गारंटी करता हूं तुम नहीं सुधरे तो वही एक दिन तुमको तारे दिखाई। तुम्हारा चांद ही एक दिन तुमको तारे दिखाएगा। राइट? थोड़ा बच के चलना। क्योंकि सारे टॉपिक में कभी कभी यही समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या करें। यस? और बात रही फ्री रहने की, क्यों फ्री रहना है? यस? मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि फ्री इसलिए नहीं रहना है, उसके पीछे की एक वजह है, फ्री रहने वालों के साथ बड़ा नुकसान है। आप एक बार ना बीजी होकर देखिए, अगर एक बार आप अगर बिजी हो गए ना, तो आपको पता चलेगा कि आधी से ज्यादा समस्याएं जो है वो फ्री होने के कारण थी। ओनली आप फ्री हो इसलिए आधी से ज्यादा समस्या, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम की हो, चाहे बारी बारी क्लेश हो, कोई टेंशन हो, किसी प्रकार के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाजी के मैटर हो, या किसी प्रकार की कोई भी थिंक हो, वो इसलिए ही आपके अंदर है क्योंकि आप आधे से ज्यादा टाइम
क्या है, फ्री है या पूरे टाइम फ्री है। तो मैं बड़ी एक जेन्युइन टॉक की तरफ आप लोगों के साथ जाने वाला हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आपके साथ जाने वाला हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपके साथ जाने वाला हूं, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपके साथ जाने वाला हूं, मैं आपसे टॉक करने वाला हूं कि एम्बॉयल क्या है, हेल्थ न्यूट्रिशन क्या है, हमने 11.5 साल क्यों लगा दिए। गारंटी करता हूं सर, किस मानसिकता के साथ आप आए थे मैं नहीं जानता, वादा रहा मेरा अगर 110% आज की मीटिंग को आपने सही से अटेंड किया, जिस किसी पर्सन के साथ आओगे हॉल से निकलने से पहले थैंक यू कह के जाओगे। आज कुछ दिनों पहले हमारी गोवा ट्रिप हुई, और जब हमने गोवा ट्रिप को कंप्लीट किया या जब हम गोवा में थे हमारे चैंपियंस के साथ, तो ऐसे बहुत सारे एंड चैंपियंस थे जो अपनी अप्लायंस को थैंक यू बोल रहे थे। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, वहां के जो होटल्स थे, वहां का जो बुफे प्लान था, डिनर प्लान था, ब्रेकफास्ट का प्लान था, वहां की जो प्रॉपर्टी थी, वहां पे जो क्रूज पार्टी हमने अरेंज करके रखी थी, जिस तरीके की हमने वॉल्वो या जिस तरीके की ट्रेवलिंग बसेस हमने बुक करवाई थी, यस लुक लाइक फॉरेन कंसेप्ट में या फॉरेनर के कंसेप्ट में, तो जो हमने बोटिंग वगैरह का प्लान किया था, समंदर में वाटर एक्टिविटीज का जो प्लान किया था, और मतलब ओवरऑल इतना अमेजिंग था, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी थी लोगों में, इतना फैंटास्टिक था कि लोग इंजॉय कर रहे थे, और उनको समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग जीने का नाम भी है, इंजॉय करने का नाम भी है, राइट और ये लोगों ने फील किया। और मैं एज ए जॉब पर्सन होते हुए, पहले जब मैं आई वॉज ए जॉब पर्सन, मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था, वो करते हुए आखिर इस इंडस्ट्री में क्यों आया, यस सर 11.5 ईयर कैसे लगा दिए, 11.5 साल कैसे लगा दिए, मैं विजय कुमार हम्बत ऐसे कैसे इतने साल लगा दिए, क्यों ऐसा है, हेलो yes, sir. क्यों ऐसा इतने साल क्यों लगा दिए, ऐसे तो नहीं बिना सोच के तो नहीं लगाया हुआ, हेलो 11 दिन नहीं लगाता दोस्त इंसान, yes, sir. 3 दिन की ट्रेनिंग में आना पसंद नहीं, yes, sir. Understand? Yes, sir. मैं तो कहता हूं कुछ कुछ ऐसे भी जिनके पास प्लान ही देखने का टाइम नहीं है, ऐसे भी लोग होंगे जो मना करते थे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे यही समझ में नहीं आता बीजी का, आया ना आया ना, मुझे तो कोई कहता टाइम नहीं है, मैं कहता हूं पैसा है, कहता नहीं है, घर है बंगला है कहता नहीं है, कार है कहता है नहीं है, महंगा मोबाइल है कहता है नहीं है, बैंक बैलेंस है कहता है नहीं है, लाइफ स्टाइल है कहता है नहीं है, अच्छे कपड़े है कहता है नहीं है, तो मैंने कहा बावले तेरे पास है क्या जो तुझे है? है? एक इंसान गलत फहमी का शिकार है, yes, उसके पास है कुछ नहीं, yes, sir. और उसको लगता है मैं बिजी बहुत हूं, बात थोड़ी कड़वी है, अगर मैं किसी को कहूं तो बुरा भी लग सकता है, अरे यार सर आपने तो सर जाने अनजाने मेरा ढोल बजा दिया यार, अरे भाई मैं मानता हूं मेरी बात कड़वी है, शायद तुझे बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने गलत क्या कहा, मैंने गलत क्या कहा, और मैं कहता हूं वो इंसान बहुत अच्छा है जो आपकी वास्तविकता से आपको रूबरू कराता है, कहते निंदक निहारे राखी, अरे मैं तुम्हारा निंदक ही सही करीब रखोगे काम में आऊंगा, बताऊंगा तो सही तेरे में कमी क्या है, यस सर आया ना, यस सर। और ऐसे ही करते करते जब हमने शुरू किया आज से 11.5 साल पहले, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी चीजें थी, ना डायरेक्ट सेलिंग में, मैं इन सब चीजों पे भी आगे टॉक करने वाला हूं, लेकिन इन 11.5 सालों में मुझे लगता है हजारों लोगों का नेटवर्क, 20-25 हजार लोगों के नेटवर्क के साथ, 4 स्टेट में काम करते हुए, 10 स्टेटों में सेमिनार प्रोग्राम करते हुए, लग्जरीज कंट्री में बैंकॉक, दुबई, सिंगापुर, इंडोनेशिया के बेंटन आइलैंड, नेपाल, फुकेट, ये सब घुमा हुआ हूं, नेक्स्ट बारी मलेशिया की है, आई होप यहां से कुछ लीडर मेरे साथ चलेंगे, ओके yes, तो और
ऐसा गोवा तो 5-6 बार, मनाली ये सब होते रहता है, इंडिया के ट्रिप्स लगते रहते हैं, नो डाउट डोमेस्टिक ट्रिप में करते ही रहता हूं। फ्लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री से मुझे ऐसा लगता है 45-50 टाइम्स मैं सफर कर चुका हूं, फ्लाई कर चुका हूं। और किसी को ऐसा लगता होगा कि ये बात अगर बड़ी नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, 7 अरब से ज्यादा लोगों की आबादी वाली इस दुनिया में ये जानकर बड़ी हैरानी, क्योंकि 5% लोग ही आज तक फ्लाइट का सफर कर पाए। यस यस, 95% लोग ऐसे हैं आज भी जो नहीं कर पाए, उनका सपना ही होता है या मूवीज में देख पाते हैं या चीजें हो पाती है। अंडरस्टैंड? क्योंकि लोगों को जिंदगी इतनी आसान लगती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ट्रेन की बोगी में, हेलो ट्रेन की बोगी में अगर आपने अच्छे से वॉच किया होगा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, सपोज दैट ये एक ट्रेन की बोगी है, ये जनरल का कोच है, राइट? ये रिजर्वेशन का कोच है, ओके? और ये एसी का कोच है, ओके? आप मुझे इतना बताइए, कुछ लोगों का जीवन कट जाता है सर। मैं क्यों कहता हूं कि सीरियसली इस मीटिंग को लेना, अपने जिंदगी को सीरियसली लेना, लेना पड़ता है। कुछ लोगों का जीवन कट जाता है, वो इस बोगी से इस बोगी का टिकट नहीं खरीद पाते। कितनी दूरी है, इस तरफ चढ़ना है तो जनरल में हो आप, और यहां से 2 कदम जाना है तो रिजर्वेशन में हो आप। यहां से यहां का टिकट, कुछ लोगों का जीवन कट जाता है तो वो यहां से यहां 4 कदम की दूरी नहीं तय कर पाते, फिर भी लोगों को लगता है जीवन बड़ा आसान। 2 कदम की दूरी तय नहीं हो पाती, एक इंसान ट्रेन का टिकट नहीं खरीद पाता एसी से, और मुश्किल भी नहीं। अगर उसके लिए सही प्लानिंग की जाए, सही लोगों के साथ चला जाए, सही तरीके से अगर प्लांटेड काम किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। मैंने अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं, 1 करोड़ से ऊपर कमाई, टीम बनाई, कारें खरीदी, प्रॉपर्टी बनाई, मेरी टीमों में भी सोनू लोगों ने बनाया, घर बनाया, हनोत्रे जी ने बनाया, कारें खरीदी, ऐसा नहीं कि अकेले किया। अगर लाखों की पेमेंट पे गया तो मेरे टीम से भी लोग लाखों की पेमेंट पे गए, राइट? मतलब आप ये नहीं कह सकते, अगर मेरे टीमों में अगर मेरी स्कूटी बाइक आई है तो मेरे टीमों में लड़कियों की लड़कों की भी स्कूटी और बाइक आई है। मैं अगर विदेश गया हूं तो मेरे साथ ये लोग बनकर फैमिली से लोग, हर्षल जी लोग और भी लीडर्स, सलेन जी और भी लीडर्स मेरे साथ फॉरेन की विजिट किए हुए। मतलब अगर जो हमने अचीव किया है तो वो हमारी टीमों ने भी अचीव किया है। हम फ्लाइट्स में बैठे हैं तो हमारे चैंपियन भी फ्लाइट में बैठे हैं, हाँ या ना? अगर हमने लाइफ स्टाइल में चेंज किया है तो हमारी टीम ने भी चेंज किया है। अगर हमने स्टेज शेयर किया है तो हमारी टीमों ने भी स्टेज शेयर किया है। अगर हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं तो हमारी टीमों की पर्सनालिटी में भी चेंजेस। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ है और डेफिनेटली होगा। क्या आप आज ये जानने के लिए तैयार है कि सर एम्बॉयल में कैसे होगा? सर हमारे लाइफ में ऐसा क्या करना होगा? हमें क्या मेंटेलिटी रखनी होगी? बता दूं? फिर लोग कहते हैं कि सर आपका पेमेंट ऐसा क्यों है? आपकी लाइफ ऐसी क्यों है? आपको कोई निगेटिव क्यों नहीं करता? ये पॉजिटिव करने वाली मशीन है। यहां से लोग गुजरने के बाद लेबल चेंज हो जाता है। ये मशीन ही अलग है, इसका मैन्युफैक्चरिंग ही अलग करती है ये मशीन। अंडरस्टैंड? हाँ या ना? और जो नहीं हो पाता उसको डिफेक्टिव पीस सोच के हम बाहर कर देते हैं, राइट? यार एक बात मुझे इतना बताओ, 143 करोड़ की आबादी, हेलो, मैं क्या मेरी औलाद, मेरा पोता ज्वाइन नहीं करा सकता? है ना? मैं जितने कराऊंगा नहीं उससे ज्यादा पैदा कर देंगे लोग। डेली प्रोडक्शन जारी है। और मैं ह्यूमन पे काम करता हूं, इंसानों पे काम करता हूं। मुझे कभी कोई कमी पड़ने वाली नहीं। हाँ या ना? मुझे किसी के इंसान ने बड़ा प्यारा सवाल किया था ऐसे बैठे बैठे, सर सारे लोग ज्वाइन हो गए उसके बाद मेरा क्या होगा?
मैंने कहा एक बात बताओ, तुम मर गए तो तुमको कौन लेकर जाएगा? कहता है चार लोग लेके जाएंगे। मैंने कहा वो चार मर गए तो? बोले फिर अगले चार। मैंने कहा वो चार मर गए तो? बोले अगले चार। तो मैंने कहा एक बार बता यार, जब दुनिया ही खत्म नहीं होने वाली है तो तू काहे टेंशन दे रहा है? आया ना, सही नहीं है? और हेल्थ केयर एजुकेशन की तो जरूरत रहनी रहनी है। यस ओके, एग्री करते मेरी बात से? 143 करोड़ की आबादी है, इतने लोगों को ज्वाइन करवा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं? राइट yes, और कहते एमएलए मतलब मजे लो मजे, yes, पूरे मजे के साथ मीटिंग अटेंड करनी है। ऐसा नहीं कि अब सर कब से आया हूं सर, अब तो सर मेरी वाली का मैसेज भी आने लगा। अगर सर और आधा घंटा ब्लू टिक नहीं गया तो फिर सर मेरा झगड़ा तय है सर। ये तुम्हारे 3 घंटे के 2 घंटे के चक्कर में सर मेरे 3 साल की सेटिंग खराब हो जाएगी। आप कर लो। और लड़कियों का तो और रोना है इस मामले में। ये सगे बाप भाई को जवाब नहीं देगी पर उस लल्लू पंजू को जवाब देगी। है आया ना, हद हो गई। आया ना, उस जमाल गोटे की कसम खा के आओ बबूती बबूती लगा के। सही है कि नहीं है? ऐसी मोहब्बत भी किस काम की? क्या जो आदमी को बांध के रख दे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अभी मैसेज नहीं आया, ब्लू टिक नहीं आया, दिल नहीं आया, वो नहीं आया। बात करूंगा, टेंशन मत लो, बहुत कुछ बात करने वाला हूँ आज। देखो हम मीटिंग मजे से करते हैं, मेरी मीटिंग ऐसे ऐसे नहीं होती बिल्कुल। ऐसा जी सर, जी सर जी, अरे कब्जे हो गई है, नेटवर्किंग है ये। हेलो, मजे लो मजे। सीखते सीखते कमाएंगे, आया ना, और हंसते हंसते लोगों को जलाएंगे। वो इस टेंशन में रहना चाहिए, सच में इसका चलता भी है कि साला जबरदस्ती में खुश रहता है। आया ना, और फिर सोचे ऐसा कैसा कितने दिन जबरदस्ती में खुश रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता यार, चलता तो होगा, चलता तो, क्योंकि जबरदस्ती में कोई इतने दिन खुश नहीं रह सकता। यस सर, क्योंकि खुश होने के लिए खुशी का होना भी जरूरी है। यस सर, मतलब खुशी चाहिए, मतलब खुशी ही चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी नहीं चाहिए। यस 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 यस, लड़के समझदार हैं, है हाँ या ना? यस, खुशी का होना जरूरी है। कुछ कुछ लड़के बोलते हाँ हाँ सर खुशी का होना। तो मैंने सोचा नहीं ये जरा ट्रैक लड़कों का कुछ गलत जा रहा है। अपने को कैसी खुशी चाहिए, कौन सी खुशी चाहिए, अच्छी वाली? अच्छा ये चाहिए, हाँ कामयाबी वाली चाहिए यार, उसको खुश मतलब परिवार। अपना ऐसे ही चलेगा, एग्री, नोटी लेने का ऐसे ही चलेगा। हाँ लेकिन इस बात की गारंटी है, आज की मीटिंग आपके जीवन की बेहतरीन मीटिंग होगी। अगर मैं कहता हूं बाय द वे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आज जो आपको पता चलेगा, आज जो आप जानेंगे, अब किसी ने जानबूझ के कसम ही खा के आ गया हो, सर मैंने तो आपकी बात मानना ही नहीं है, मैं कसम खा के आया हूं सर, पूरे देवों की कसम खा के, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग मना के आया हूं आज, तुम मुझे समझा के दिखा दो। मेरे भगवान माफ कर भाई, मैं तुझे क्यों समझाऊंगा यार, इतने क्या कम है जो मैं तेरी कसम खा के आया हूं कि तुझे ही समझाना है? आया ना, सही है कि नहीं है? इतने ने मेरी बात नहीं माने तो क्या मेरी टीम नहीं बनी? क्या इतनों ने मेरी बात नहीं माने तो क्या मेरे साथ लोग नहीं है? क्या इतनों ने मेरी बात नहीं माने तो क्या मैंने पैसे नहीं कमाया? अरे तू कोई नया नहीं है मेरे भाई, तेरे से पहले मुझे लाखों रिजेक्ट कर चुके हैं, हजारों रिजेक्ट कर चुके हैं, और ये सब मेरे साथ है। अंडरस्टैंड, हर एक चीज की लॉ फॉर जो होती है, डोंट वरी, राइट? लेकिन वादा रहा,
आज के बाद आपका माइंडसेट अलग होगा, आपकी मेंटेलिटी अलग होगी। पर एक बात है, आपको भी समझना पड़ेगा कि कुछ पता चला तो उसको पचाना आना चाहिए। कहते हैं आपको ज्ञान मिला और आपने पचा नहीं पाए तो आपकी हालत ठीक उस इंसान के जैसी है कि भोजन तो लेता है लेकिन पचता नहीं। कुछ लोग नहीं कहते बेटा ये खाता तो बहुत है लेकिन ना इसके शरीर को ही नहीं लगता, ऐसा नहीं बोलते। बेटा ये ना खाती तो बहुत है, चार चार रोटी खाती है, इतनी इतनी बाटी खाती है, घी भी मिलाती है, दाल भी मतलब ऐसे इतने इतने कटोरे से लेती है, पर बेटा इसके शरीर को ही नहीं लगता। कहते ना ऐसा, तो एक आदमी था इसके शरीर को भी नहीं लगता और बोले इसके दिमाग को भी नहीं लगता। बोलते कितना समझा दो, है ना, ना बोले भोजन इसके शरीर को लगता और ना ज्ञान इसके दिमाग को लगता। अंडरस्टैंड? यस। ऐसा इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता। यस सर। ऐसा इंसान कभी ग्रो नहीं। तो फिर मेरा वादा है मीटिंग के बाद अपने दिल से पूछना, आप 16 के हैं, 17 के हैं, 18 के हैं, टीन एजेस में हैं या उससे अप में हैं, 20 से प्लस में हैं, 25 से प्लस में हैं या 30 से प्लस में हैं। मेरी गारंटी है अगर सच्चे दिल से अगर पूरी मीटिंग का कैलकुलेशन लगाओगे तो एक ही बात निकल के आएगी कि मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन मीटिंग और बेहतरीन समय को जीकर आया हूं, जिसमें मेरी मेंटेलिटी चेंज हुई है, जिसमें मेरी सोच चेंज हुई है और जिसमें मुझे ये पता चला है कि जिंदगी को जिया कैसे जाता है, जिंदगी को बनाया कैसे जाता है।